तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप देख रहे हैं राइडिंग कौशल को। आज हम आपके लेके आए हैं आरसी 200 और एमटी 15 के बीच में टॉप एंड का कंपैरिजन। मैं हरा दूंगा। ये राइडर ब्लैक बियर्ड, आप जाके चैनल चेकआउट कर सकते हैं। और ये हमारी दो बाइक्स हैं, एमटी 15 और आरसी 200। सीधा करते हैं हम कंपैरिजन इसका टॉप एंड का। एक 155 सीसी, एक 200 सीसी है। मुझे पता है आरसी एक फैट बाइक है और सीसी भी ज्यादा है, तो मैं स्लिप स्ट्रीम करने की कोशिश करूंगा जिससे मेरे को थोड़ी एडवांटेज मिलेगी। तो मिलते हैं आपसे सीधा। तो व्हील राइड सेफली, कहीं भी ऐसा लगे तो या सेफ्टी फर्स्ट। अच्छा, आपके हिसाब से दोनों का टॉप एंड सिमिलर है तो, लेकिन देखते हैं बीच में कौन सा स्ट्रेच इसका ज्यादा रहेगा। चलो आ जाओ फिर, ठीक है। 3, 2, 1। निकल रही है अगेन टी स्लिप स्ट्रीम। आगे जा रही है, स्लिप स्ट्रीम करनी पड़ेगी। वंस मोर, 3, 2, 1। स्लिप स्ट्रीम में बताऊंगा मैं। फोर्थ गियर पे अब नहीं पकड़ पाएगा ये। बहुत ज्यादा विंड ब्लास्ट है। अब की बार निकल गए आगे। देखो जा तो रही है आगे, लेकिन ऐसा नहीं है, ये भी रुक रही है, ये भी सही पहुंच रही है। लेकिन मैं अगर ये बात बोलूँ ना कि 45 cc का एडवांटेज और फेयरिंग का एडवांटेज, 10 किलो बॉडी वेट का एडवांटेज, ये जो ऐसे दिखा रहा है ना, मुझे दिख नहीं रहा है वो। ये तीनों एडवांटेज होने के बावजूद एमटी उसको कांटे की टक्कर दे रही है। यामा भाई, यामा बॉडी वेट बराबर होता तो शायद यही चीज जाती, फेयरिंग की भी जरूरत नहीं थी। इसे देखा जाए तो तीन एडवांटेज है।
और दूसरा ये भी है कि बॉडी वेट में भी कम से कम 10 kg से कम का डिफरेंस तो नहीं है, और ये फेयरिंग वाली है वो नॉन फेयरिंग है, और 45 cc। अगर एम्प्टी किसी को लेनी है तो निश्चिंत होकर ले सकते हैं, लेकिन लुक दोनों के देख लो कंपैरिजन। ये वैसे जा रही थी 136 के अराउंड, 37, और स्लोप में 140 टच करा है इसने। बट जो भी कहो, बेशक ये इतनी प्रीमियम ना लगती हो, लेकिन पावरफुल तो है ये 155 के हिसाब से।